और दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीडिया से बड़ा क्लोजली आपका रिश्ता रहा, साफियों से चीज़ों से कर सकें या बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ये एक फैशिस्ट हुकूमत है और एक फैशिस्ट हुकूमत जो है सबसे पहले क्या करती है कि सच की आवाज़ दबाती है। मैं समझता हूँ कि जो बोल के जो CEO शुएब शेख साहब जो सर्विसेज दे रहे थे इस वक्त, जिस तरह की बोल अपनी मैनेज कर रहा था इंफॉर्मेशन को और जो उनकी नशरियात थी, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था इस हुकूमत के लिए कि आप लम्हा बा लम्हा फॉर्म कर रहे थे और उसका खमियाजा आज शुएब शेख साहब ने भुगता। और यही एक तरीका है इनके पास कि आवाज़ें किसी बंदों को उठा लें, गिरफ्तार कर लें, उनको नज़र बंद कर लें, मुँह बंद कर लें, किसी तरीके से आवाज़ ना निकले जो कि हुकूमत के खिलाफ उठ रही है। और हुकूमत के खिलाफ नहीं है बल्कि सच की आवाज़ है। ये समझने से लोग कासिर हैं कि ये एक सच की आवाज़ है जिसको दबाए भी तो नहीं दबेगी, बोल अपना काम जारी रखेगा और हक सच की आवाज़ बन के अवाम की आवाज़ बन के लोगों को बताएगा। और इस फैशिस्ट रजीम को ये समझ नहीं आ रही कि बोल को कैसे मैनेज करें, तो ये तरीका उन्होंने ढूंढा है जो कि बहुत ही भूंडा तरीका है। और मेरा ख्याल है कि जितनी मजम्मत की जाए कम है, और ये आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई ना कोई फैसला अच्छा आएगा। बिल्कुल, और उम्मीद भी हम अदालतों से पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूदियों में, और हलीम आदिल शेख साहब को वेलकम करते हैं।